इमरान खान बहुत ही सिंपल लॉजिक के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं कि ये क्रिकेट की इंटरनेशनल तारीख का सबसे बड़ा प्लेयर है, क्योंकि लीडर अच्छा हो ना और साथ सीनियर प्लेयर हो तो फिर सब चीज़ें सही होती हैं। लीडर टाइगर हो तो सब टाइगर की तरह लड़ते हैं। इमरान की ये बहुत बड़ी खास बात है कि ये हार मानता भी था ना अगर, तो वो बहुत जल्दी उससे अपने आप को डस्ट ऑफ करके राइज अप कर जाता था। उसके अंदर धोखाबाजी नहीं है, तो धोखेबाजी नहीं होगी, ये नहीं होगी, तो इज्जत जिल्लत तो अल्लाह के हाथ। ख्वाब देखता था, डे ड्रीमर था, हमेशा शुरू से बचपन से बड़ी चीज देखता था, इमेजिन करता था अपने आप को जो यानी बड़े बड़े काम करने में, और ये कांस्टेंट मेरी जिंदगी का सारा हिस्सा रहा है, ये डे ड्रीमिंग, बड़ी सोच रखता था और फिर स्ट्राइव करता था उसकी तरफ, यानी जब एक दफ़ा मैं फैसला कर लूँ कि मैंने ये करना है फिर मैं उसके ऊपर फिर पूरी कोशिश करता था वहाँ पहुँचने के लिए। इतना जब आप डीप चले जाते हैं अपने माइंडसेट में कि मुझे ये चीज़ अचीव करनी है, ज़ाहिर है जो एडवर्सरी होता है या एडवर्सिटीज़ होती हैं वो फेड कर जाती हैं, यू स्टार्ट लिविंग इन योर माइंड। मैं समझता था बाकी भी डे ड्रीम करते हैं, मैंने नहीं रियलाइज़ किया कि लोगों की इतनी बड़ी ड्रीम्स नहीं थी, लोगों की बड़ी छोटी छोटी ड्रीम्स होती थी और एक्चुअली मेरी ड्रीम उनसे बड़ी होती थी। द विजन इज़ व्हाट ड्रोव इमरान एंड सो, और वो विजन उसका जीनियस ये था कि वो विजन उसने सबको दिखाया, पूरी टीम को दिखाया। मेरी जो मोटिवेशन थी वो सबसे ज़्यादा होती थी जब मैं पाकिस्तान के लिए खेलता था, कभी भी वो मोटिवेशन नहीं होती थी जब मैं और टीमों के लिए खेलता था। वो फिर आप प्राइड के लिए खेलते हैं, आप टीम के लिए खेलते हैं, आपकी रेपुटेशन होती है उसके लिए खेलते हैं, लेकिन जो आप मुल्क के लिए खेलते हैं वो आपकी मोटिवेशन मुख्तलिफ होती है, क्योंकि सारा मुल्क आपकी तरफ देख रहा होता है। याद है हमें, हम जब पढ़ते हम लोग खेलते थे, लोग नफीले मानते हैं, हमारे लिए मांग रहे हैं, बताइए कोई रिश्ता नहीं, खुशी किसको मिलती है? पाकिस्तान जीतता है तो लोगों को मिलती है ना, तो खुशियाँ बांटने वालों में से थे ना। हिंदुस्तान के साथ मैच होता था, सारा यहाँ कारोबार ही खत्म हो जाता था, लोग टीवी मैच देख रहे होते थे। कोई इसमें बुरी चीज़ नहीं है कि आप पूरी अपनी मेहनत करके आखिरी गेंद तक काबला करके मैच हारते हैं, कोई बुरी चीज़ नहीं। क्रिकेट में हार जीत होती है, लड़के हारो परवाह नहीं है, लेकिन अगर आप किसी वजह से अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि आपने लेट नाइट की है, आपने अपना ध्यान नहीं रखा, आपने अपनी डाइट नहीं रखी, आपकी कॉन्सेंट्रेशन टीम पर नहीं है, ये एक बहुत बड़ा आप जुर्म कर रहे हैं, क्योंकि इतनी उम्मीदें लगा के कौम आपकी तरफ देख रही है। इमरान की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ ये थी कि खुद परफॉर्मर था, बात ये कि जब तक आप बाय एग्जांपल लीड नहीं करोगे उस वक्त तक आप अपनी टीम से वो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते परफॉर्मेंस। पाकिस्तान अनबिलीवेबली 3 for 7, इमरान खान द स्किपर हैज डिसाइडेड दैट he's the one to come out and sort all this out. Kai log zimmedari se aur takde ho jate hain, jitna pressure lete hain aur wo zyada pressure lena shuru kar dete hain, unka potential nikalna shuru ho jata hai, jitna apne aap ko wo challenge karte hain utne takde ho jate hain, aur kai captains pressure ke andar capitulate kar jate hain. Historically agar dekhen aap, Bradman bowling nahi aati thi, Gary Sobers terrific all rounder, weak in leadership. बोथम फेल हो गया एज कैप्टन, सचिन तेंदुलकर ने कैप्टनसी छोड़ दी, यानी वो एज ए प्लेयर समझते थे बेहतर है। इमरान के अपने जो कंटेम्प्रेरीज थे जो कि जो चार ऑलराउंडर्स को अभी तक यू नो द फोर हॉर्समैन ऑफ द एपोकैलिप्स, इमरान खान, रिचर्ड हैडली, इयान बोथम, कपिल देव, नन ऑफ देम कुड होल्ड इवन अ कैंडल टू इमरान बिकॉज ऑफ द कंसिस्टेंट वर्ल्ड क्लास सक्सेस इन ऑल फोर डिपार्टमेंट्स। और मैंने बड़े कैप्टन प्लेयर्स देखे, जब वो कैप्टन बने तो उनके परफॉर्मेंस नीचे आ गई, क्योंकि जितना बड़ा चैलेंज और प्रेशर उतना पड़ जाता है, और वो जब प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर कई खड़े हो जाते हैं, वो और तकड़े हो जाते हैं, जो प्रेशर के अंदर कैपिचुलेट करता है वो और नीचे चला जाता है। इंडिया में पहली दफ़ा हम जीते, इंग्लैंड की लीड्स की विक्ट्री थी और वो सीरीज हम जीते,
पहली दफ़ा पाकिस्तान इन दोनों कंट्रीज में जाके सीरीज जीता, दोनों सीरीजों में मैन ऑफ द सीरीज इमरान खान था। द लीडरशिप फॉर इमरान इज द थिंग दैट रियली स्टैंड्स आउट। किसी और स्पोर्ट्स में कैप्टन की वो अहमियत नहीं है, कोच सब कुछ है, सॉकर है, हॉकी है वगैरह, किसी को तो पता ही नहीं कैप्टन क्या, बड़ा लिमिटेड रोल होता है। क्रिकेट में फील्ड के ऊपर सारा रोल ही कैप्टन का है। जिस वक्त कैप्टन पैनिक किया टीम गई। कि इसके साथ ना इन सब चीज़ों के साथ एक जो हम हमेशा इट्स डिफिकल्ट टू नेम एक्स फैक्टर इसे कहते हैं, और एक्स फैक्टर इज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ विजन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ कि आप अपने आप की अपनी सलाहियत को क्या समझते हैं और अपनी सलाहियत से अपने पोटेंशियल से क्या निकलवा सकते हैं। मसलन अगर आपको पता है कि ये इनकी स्ट्रेंथ तेज बॉलिंग है तो आप अपने बैट्समैन को प्रिपेयर करते हैं तेज बॉलिंग के लिए। आपको पता है कि इन्होंने बाउंसर्स करने हैं, इंटिमिडेट करना है, और उनके पास बॉलिंग फायर पावर है, तो आपने उसको काउंटर करने के लिए क्या करना है? बॉल से डरता है, अरे बॉल आदि यूं क्या ये नहीं कर गए, यानी कि अगर आप इस लेवल पे यूं यूं नहीं कर सकते, यूं नहीं कर सकते तो टेस्ट क्रिकेट का इनके लिए खेलने आए हो भाई। ये दोनों चीजें जो है ना, मैं कहूँगा ये दोनों चीजें यूनिकली इमरान और मियाँ आजाद में थी, और उनकी जो आपस में एक केमिस्ट्री थी और उसका एक केमिकल रिएक्शन जो हुआ उसकी वजह से अल्टीमेटली आई वुड गिव क्रेडिट टू देयर म्यूचुअल पार्टनरशिप। तो हम प्लेयरों को यही कहते थे कि आज भी मैं कहूँगा कि 11 के 11 ये सोच के खेले कि भाई मैंने जिताना है मैच, आपके मैंने मैच जिताना है, मैंने, तो वो कॉन्फिडेंस डिफरेंट होता है। Went through some very frustrating moments, but there's a half century for him. लेकिन जब कैप्टन बना तो obviously एक ही विजन थी कि पाकिस्तान टीम को दुनिया की बेस्ट टीम बनाओ। लेकिन उस वक्त हमें एक प्रॉब्लम था, वो था जो वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम की पीक थी। हिस्ट्री तो ये है, देखें कि वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट अगर कितनी टीमें थी, कितने में खेलते थे, यूं करके फिर यूं करके खेल रहे होते थे भाई, हम यूं करके खेलते थे भाई, तो बादल क्योंकि हमें अपने पर कॉन्फिडेंस था। मैंने दुनिया की तारीख में कभी इस तरह की पावर पैक टीम नहीं देखी। बहुत जबरदस्त टीम थी, विव रिचर्ड्स उस टीम में था, मैल्कम मार्शल उस टीम में था। जब मेरी विजन बनी कि दुनिया की बेस्ट टीम बनना है तो वो एकदम उधर आके फंस जाती थी कि हम बन ही नहीं सकते जब तक वेस्ट इंडीज को ना हराएं। एंड एज यू नो कि हर स्पोर्टिंग एनकाउंटर में जीतने की वैल्यू वहाँ होती है जब आप अपनी एनिमी के घर में जाके जीतते हैं। तो वो था उस वक्त पैशन जो जब मैं कैप्टन बना कि मैं सोचता था कि मेरी क्रिकेट छोड़ने से पहले हमें वेस्ट इंडीज को हराना। द जूवल इन द क्राउन आई वुड से, जो कि हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते क्योंकि विक्ट्री आउटराइट विक्ट्री नहीं थी, विच इज दैट द वेस्ट इंडीज टूर ऑफ 1988। जिसमें आप 1-1 ड्रॉ करके आए ऐसी टीम के साथ जो कि तारीख की सबसे बेहतरीन टीम मानी जाती है। अच्छा, ऑन टॉप ऑफ दैट लुक एट द स्केल ऑफ द अचीवमेंट, द फर्स्ट टेस्ट दैट यू वन इन जॉर्जटाउन, इमरान हैड 11 विकेट्स, मियादाद हैड हिज बेस्ट टेस्ट इनिंग्स जो 114 बनाया उसने जॉर्जटाउन में, जबकि बहुत ज़रूरी था कि फर्स्ट इनिंग्स लीड ले लें आप वेस्ट इंडीज़ को जल्दी आउट करने के बाद। प्रिपरेशन का बहुत बड़ा रोल था इस टूर में कि इमरान ने इस तरह से अपने लड़कों को प्रिपेयर किया, वेट बॉल्स लेके, उसमें वेट टेनिस बॉल्स लेके प्लेयर्स को बाउंसर्स की प्रैक्टिस कराई। तो मैं गाली देता दो गाली, चुप बन के नहीं, क्योंकि वो आपको क्यों कर रहा है, तुम भी ऑफेंसिव, तो तुम्हारे में इतने गट्स होने चाहिए कि शो देम कि यस आई शो यू, ते बा बॉल है मेरे पास बैट है। इमरान की टीम का जो सबसे बड़ा हॉलमार्क था वो था नेवर से डाई एटीट्यूड। वो जो टेस्ट मैच विक्ट्री थी पाकिस्तान की वेस्ट इंडीज के सॉइल पे, वेस्ट इंडीज के सॉइल में ड्यूरिंग अ 12 ईयर पीरियड, दैट इज द ओनली टाइम वेस्ट इंडीज हैज लॉस्ट, स्टिल इज अ ग्रेट रिजल्ट कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द वेस्ट इंडियन टीम। मैं जब 19 साल का इंग्लैंड में था, ऑस्ट्रेलिया की टीम आई इंग्लैंड, और मैंने पहली दफ़ा डेनिस लिली को बॉलिंग करते देखा, और हमने पहली दफ़ा टीवी पे जेन्युइन फास्ट बॉलर को देखा। वो दिन था मैंने फैसला किया मैं तेज़ बॉलर बनना चाहता हूँ। तब तक मेरी सारी एम्बिशन बैटिंग की थी, मैं समझता था मैं अच्छा बैट्समैन हूँ। उसको मैंने देख के मैंने कहा मैंने तेज़ बॉलर बनना है। अब मैं वोस्टर के लिए खेलता था, वो कहते थे तुम तेज बॉलर बन नहीं सकते क्योंकि मैं एक इन स्विंग बॉलर था। उन्होंने कहा तुम इन स्विंग करते हो, तुम्हारा बॉलिंग एक्शन ही नहीं तेज बॉलिंग का। इमरान की रिस्पेक्ट मियादाद की नज़र में तब आई जब मियादाद ने देखा कि मेहनत कितनी करता है। अभी इमरान के बारे में लोग समझते नहीं, जानते हैं उसने बहुत बहुत मेहनत की है।
मैं वाहिद वाहिद बॉलर हूँ क्रिकेट हिस्ट्री में, इसकी कोई मिसाल नहीं है, जो मीडियम पेस से फास्ट बॉलर बना और फास्ट बॉलर बनने के लिए मुकम्मल तौर पे अपना एक्शन चेंज किया। जो मेरा शुरू का एक्शन था और जो 5 साल के बाद जब मैं तेज बॉलर बन गया, मेरा बिल्कुल मुख्तलिफ एक्शन था। तो ये कभी किसी ने नहीं किया। मैंने जब फैसला किया मैं तेज बॉलर बनूंगा, उस फैसले से 5 साल मुझे लगे अपना सारा एक्शन चेंज करना फास्ट बॉलर बनने का। ये कभी किसी ने नहीं अचीव किया। उसका जो पैशन टू एक्सेल था और जो एक जस्तुजू थी कि मैंने बेहतर से बेहतर होना है, असल वो चीज़ थी जिसने इमरान को इतनी ज़्यादा सक्सेस दी है। मैं एक इंसिडेंट लोगों को बताता हूँ इस ये ह्यूमन पोटेंशियल के ऊपर। मेरी जब टांग टूट गई, मैं अपनी पीक पे था, 2 साल मैं क्रिकेट नहीं खेला, बॉलिंग नहीं की, आहिस्ता आहिस्ता मैं वापस आया बॉलिंग में। मेरा जो ओरिजिनल बॉलिंग एक्शन था वो गुम गया, वो मुझे समझ ही ना आया। आजकल के ज़माने में बड़ा आसान होना था, आप वीडियोज़ हैं, आप आराम से अपने मोबाइल पर बनाएं, स्लो मोशन करें आप, ठीक। उन दिनों में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था इस चीज़ का। तो मैं मुझे समझ ना आए कि मैं गलती क्या कर रहा हूँ। मैं 3 महीने कोशिश करता रहा, मैं ऑस्ट्रेलिया में तब खेल रहा था शील्ड क्रिकेट, 3 महीने मैं कोशिश करूँ कि वो मेरा एक्शन वापस ही ना आए, जो मेरी वो पेस थी वो वापस ना आए। मैच में प्रैक्टिस सारा दिन बॉलिंग करता था, मैं नेट पर प्रैक्टिस करता था, मुझे समझ नहीं आ रही थी क्या। जो सबसे अमेजिंग चीज़ ये है, मैच हो रहा था, मुझे अभी भी याद है, MCG के ऊपर मैच था, न्यू साउथ वेल्स का विक्टोरिया का। तो मुझे रात ख्वाब में आया, मैं अब ख्वाब देख रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ कि मैं बॉलिंग कर रहा हूँ, और उस ख्वाब के अंदर मैं रियलाइज़ कर रहा हूँ कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ और क्या मेरे एक्शन में गलती है। मैं अगले दिन उठा, नेट्स में गया और एकदम मैंने एक्शन ठीक कर लिया। ये होता है कॉन्सेंट्रेशन और ह्यूमन पोटेंशियल। जब आपका जेन में इतनी ताकत होती है, इंसान के अंदर इतनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है, जब तक हार नहीं ना मानता, यानी वो वापस रिट्रीट नहीं करता, अपनी एम्बिशंस को डाउन स्केल नहीं करता। मैंने जब मैं एक टारगेट सेट करता था उससे फिर अगला ऊपर करता था, कभी मैं नीचे नहीं आता था। इमरान की बॉलिंग का ये लेवल है कि 2 साल इमरान ने बिकॉज ऑफ अ शिन स्ट्रेस फ्रैक्चर बॉलिंग नहीं कराई, जबकि बिल्कुल अपनी पीक पे थे। वो 2 साल निकालने के बावजूद इमरान की करियर बॉलिंग एवरेज वसीम अकरम से भी बेहतर है। ये तो लेवल है इसकी बॉलिंग का। एक बहुत इंपॉर्टेंट वैल्यू स्पोर्ट्समैन के लिए, फाइटर के लिए, लीडर के लिए इज जो अंग्रेजी में कहते हैं रेजिलियंस। इंसान के अंदर अल्लाह ने इतना पोटेंशियल दिया हुआ है, जो चीज़ जिसका उसको एक दफ़ा इश्क हो जाए, जुनून हो जाए, वो अचीव कर सकता है। मैंने बड़े पाकिस्तानी क्रिकेटर्स को अपने सामने देखा, मेरे से ज़्यादा पोटेंशियल था। टीम में आते थे, थोड़ा पैसा आ जाता था, कंफर्टेबल लाइफस्टाइल हो जाता था, एक गाड़ी हो जाती थी, घर हो जाता, मुतमईन हो जाते थे। जो ऊपर जाता है उसकी एम्बिशन बड़ी स्ट्रिक्टली होती है कि मैं इस स्पोर्ट के अंदर ये अचीव करना चाहता हूँ, फिर वो सिंगल माइंडेडली उसे परसू करता है। सारी बात की ना कि वैल्यूज़ और रिजिलियंस, ये सब मेंटल फैक्टर्स हैं। तो लेकिन फिजिकल फैक्टर तो वो है कि उस पर तो इंसान घबरा जाता है, यू नो, बिकॉज ये यहाँ तो गेटिंग हर्ट वाली बात है, इंजरी वाली बात हो गई है, तो उस पर बड़े बड़े लोग शाया हुए कर जाते हैं। जो तेज़ बॉलर होता है ना, वो बहुत कम होता है कि वो मैच पर जाए और पूरी तरह फिट है, क्योंकि तेज़ बॉलिंग होती है ऐसी है। आप और मैं कई दफ़ा तो सारा दिन बॉलिंग करता था, उससे होता है कि आपके कहीं ना कहीं निगल्स होती हैं। तो तेज़ बॉलर को होना पड़ता है, उसमें ये एबिलिटी होनी पड़ती है कि वो पेन बैरियर के थ्रू कई इंजरीज नहीं आप मैनेज कर सकते, लेकिन कई छोटी छोटी निगल्स होती हैं जो आप मैनेज कर लेते हैं, आप उनके साथ खेलते रहते हैं। कई वार्म अप होके कम हो जाती हैं, दर्द कम होनी शुरू हो जाती है। मैं जब हिंदुस्तान में चौथे टेस्ट में मेरी दर्द शुरू हो गई थी और मैं 2 टेस्ट खेला उसके साथ। फिजिकल पेन कॉन्कर करना, इससे ज़्यादा इंसान क्या कर सकता है। एंड अगेन दिस गोज़ टू योर मेंटल स्ट्रेंथ। इवन इन द वर्ल्ड कप 92 इमरान का शोल्डर इंजरी थी, बहुत ज़्यादा आइसिंग के साथ वो बॉलिंग करा रहा था। मैंने टीम को बताया नहीं कि वो कितनी सीरियस इंजरी थी, इंतखाब आलम और मुझे पता था ये कितनी सीरियस इंजरी है। आपकी इंजरीज के थ्रू कई सिचुएशंस डिमांड करते हैं
कि आप पेन अपनी ओवरकम करके खेलें, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा है। देखिए कप्तान की क्वालिटीज फिर से मैं रिट्रेट करता हूँ। सबसे पहले दिलेरी, वो बिल्कुल अपनी मैं से आज़ाद होता है, सेल्फलेस होता है, और उसके साथ आ जाते हैं तीसरी चीज़ मेरिट टीम सिलेक्शन में। जिस वक्त एक कैप्टन अपनी किसी भी मेरिट से हट के एक प्लेयर को सिलेक्ट करता है, उसकी क्रेडिबिलिटी चली जाती है टीम में। आई थिंक ऑनेस्टी कम्स फ्रॉम एबिलिटी। अगर आप में एबिलिटी है और आप में ड्राइव है और आप में पैशन है, तो आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी कि आप डंडी मारें या शॉट कट लें। वो अपनी तरफ से सही भी सिलेक्शन करता है, उसको शक करना शुरू हो जाती है टीम। और ये मेरिट का एक तो ये है कि टीम रिस्पेक्ट करती है आपको, जब उन्हें पता होता है कि ये कैप्टन मेरिट के ऊपर टीम सेलेक्ट कर रहा है। अच्छाई को वो अच्छा कहता था, बुराई को बुरा कहता था। इमरान का बहुत ही फार रीचिंग, पाकिस्तान पर इमरान का बहुत ही फार रीचिंग मूव था कि न्यूट्रल अंपायर्स लेके आए। उस दौर में जहाँ होम एडवांटेज का एक बहुत बड़ा फैक्टर जो है वो होम अंपायर्स भी हुआ करता था, उसने इंसिस्ट किया कि मैंने न्यूट्रल अंपायर्स के साथ खेलना। इंग्लैंड के अंपायर ज्यादा बेहतर थे, वो चुन के मौके पे हमारे खिलाफ फैसला देते थे। ऑस्ट्रेलिया में भी ये होता था, न्यूजीलैंड में। तो मैंने ये रियलाइज किया कि ये जब तक न्यूट्रल अंपायर्स नहीं आएंगे, जो फेयर प्ले है वो नहीं होगा। इमरान ने कहा नहीं, मैं न्यूट्रल अंपायर से खेलूंगा ताकि अगर मैं जीतूं तो मेरे ऊपर कोई क्वेश्चन ना उठा सके। लोगों को याद होगा जो उस वक्त गेम फॉलो कर रहे थे कि उस पर बहुत फ्यूरोर था, खासकर जो इंग्लिश और ऑस्ट्रेलियन एस्टेब्लिशमेंट था, वो तो बिल्कुल ये सुनने को बर्दाश्त नहीं किया। उनको तो लगा था कि हम जो है उनको कह रहे हैं कि भाई आप चीट कर रहे हैं। हालांकि न्यूट्रल अंपायर्स इज समथिंग व्हिच इज नाउ स्टैंडर्ड इन क्रिकेट एंड इट इज स्टैंडर्ड इन ऑल स्पोर्ट। और मुझे याद है 1988 में जो मेरे ख्याल में सबसे हम बेस्ट सीरीज खेले थे वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट, तो हमने जीता नहीं थी सीरीज। विव रिचर्ड्स बैटिंग कर रहा था, उनकी टीम को 70 पे 4 आउट हो गए थे। वो इतना बड़ा आउट था कि हम सारे समझे कि गेम खत्म है। पहले अपील की, वो इतना ब्लेटेंट आउट था कि फिर हमने अपील की। तो जब मैंने उस अंपायर की शक्ल देखी तो मुझे याद है मैं जब उसकी आंखों में देख रहा था तो वो नीचे देखना शुरू हो गया। इमरान रियलाइज्ड दिस, और उसको उसने ये भी रियलाइज किया कि अगर मैं सब चीज़ें अबव बोर्ड रखूं, ट्रांसपेरेंट रखूं, ऑनेस्टी के साथ करूं, तो फिर जो उसके रिजल्ट्स आएंगे उन रिजल्ट्स में हमें कोई क्वेश्चन भी नहीं कर पाएगा। तो ये मुशावरत सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लीडरशिप, सबसे एडवाइस ले, लेकिन जो फैसला है वो खुद करें। इसमें इसका सक्सेस का राज भी था, बिकॉज ये जो एज अ जनरल ऑर्डर्स बात करता था और लोग फॉलो करते थे। एंड इस डिक्टेटोरियल अप्रोच की वजह से जो है गंद भी नहीं आ रहा था टीम में। जहाँ जरा थोड़ा बहुत गंद आया, हम सबको वो स्टोरीज बताएं कि किसी के बैग से चर्स पकड़ा गया या किसी यू नो स्टफ लाइक दैट, फौरन छुट्टी हो जाती थी। ये कोई कभी भी नहीं होता कि एक एडवाइस लेके तो जनाब वोटिंग करवा के फैसला करो, लेकिन मुशावरत का तोड़ कोई नहीं है। मुशावरत का मुतबादल इसलिए कोई नहीं है कि वो जो आपके आपका अपना भी आइडिया होता है वो तराशा जाता है। कई दफ़ा मैं एक आइडिया से टीम में गया हूँ, हमने मुशावरत किए और मैंने अपना आइडिया बदल दिया या उसे बेहतर कर दिया। आप क्या मैं यूं हो रहा हूँ मगर मैंने आपकी बात सुन ली है, तो ये बहुत वेरी इंटेलिजेंट समझदार था। अगर आप बोलते थे हो सकता है आपको शो नहीं करता, मगर समझता था। नो योर लिमिटेशन, और लिमिटेशन जब आप अपने रिकग्नाइज कर लें तो फिर उनमें लिमिटेशन को कवर करने के लिए आप हेल्प लेते हैं। आप अपने एडवाइजर की बात सुनें, आप एक एडवाइजिंग टीम हो या एडवाइजर हो, उसको अटेंशन दें। और यहाँ जो है फिर बात आ जाती है इमरान और मियादाद नेकलेस की। सबसे बड़ी अच्छी चीज़ थी वो ये थी कि मैं कप्तानी नहीं और इमरान को कप्तानी, मुझे बहुत खुशी थी, ऐसी नहीं थी। मुझे पता है मैं अपना काम वैसे भी किया ना। इमरान वॉज द जनरल, वो सही कहता था, माँ बाप नहीं डांटते, मुल्क की वजह से बोल रहा है ना। ही वॉज गिविंग द ऑर्डर्स, ही वॉज शोइंग द विजन एंड ही वॉज मोटिवेटिंग द ट्रूप्स एंड द टैक्टिकल जीनियस वॉज कमिंग फ्रॉम मियादाद। बैंगलोर टेस्ट ऑफ 1987
जो कि तारीखी विक्ट्री है पाकिस्तान की, इंडियन सॉइल पे सबसे पहली टेस्ट विक्ट्री है। उस मैच से पहले इमरान और मियादा का झगड़ा भी हुआ, मुझे याद है कि बेंगलोर में आई वॉज द वन, आई मैं इमरान से जाके बड़े गुस्से में, मैं क्या तुम बोल रहे हो लेफ्ट आर्म लेफ्ट आर्म, इकबाल कासिम से अच्छा कोई बॉलर ही नहीं है, बुलाओ उसको तुम। बिकॉज इमरान वॉन्टेड टू प्ले अब्दुल कादिर एंड मियादा टुक इमरान टू द पिच एंड ही सेड इसको हाथ लगाओ, ये रेगमाल है, क्योंकि हमें उधर फिंगर स्पिनर चाहिए था, माई रीडिंग वॉज जो लाके मारे। एंड अगेन दे अंडरस्टूड ईच अदर, फिर उसको मून के आया, उसने सात आउट लिए बेंगलोर में। Imran gave in and you know the result is before us. मैं आपको मिसाल देता हूं, हमने वर्ल्ड कप हमारा था 92 में, मैच बैलेंस पे चला गया, इंग्लैंड बैटिंग कर रहा था, कहीं भी जा सकता था, पानी की ब्रेक थी, तो मैंने तब फैसला किया वसीम अकरम को लाने का। मुझे याद है सारे के सारे प्लेयर्स एक तरफ खड़े हो गए, नहीं जी ये ना करना, अगर आपने ये लाया तो एंड में मेरे से थोड़ा घबराते भी थे, वो आके मुझे भी एजाज अहमद ने मुझे आके बताया उनसे फुसर फुसर करके कि जी वो कह रहे हैं कि अभी ना लेके आना तो एंड में क्या होगा। मुझे पता था उनके खदशात क्या है, लेकिन रिस्क लेता है फिर कैप्टन। मैं वो अगर वो फेल हो जाता तो सारों ने मुझे बुरा भला कहना था, इनमें देखे जी हमने सब ने कहा था नहीं हुआ। लकी आदमी है, इतने गलत फैसले किए और पे ऑफ हुए। लकी अगर वो था भी तो वो इसलिए था बिकॉज वो बहादुर था, वो अपने डिसीजंस को बैक करता था। इमरान ने जो वो डिक्लेयर किया मियादाद को, 280 के ऊपर मियादाद खेल रहे थे, लगता था कि वो 400 बना सकते हैं, हैदराबाद की बात कर रहे हैं ना, उसको लगा कि नहीं अगर मैं इस वक्त डिक्लेयर कर दूंगा पाकिस्तानी टीम को तो हमें उतना टाइम मिल जाएगा इंडिया को डिसमिस करने का जितना हमें चाहिए, क्योंकि वो मुझे एक रन दे रहे थे उस वक्त, ये वाला चक्कर नहीं था, ये दादा वाला नहीं, सब पीछे कर दिए, तो टाइम बाद हो रहा था, हम मैच हो सकता नहीं जीतते। ये तस्वर भी नहीं आप कर सकते कि अपनी जात के लिए टीम को नुकसान पहुँचाए, यानी मैं अपने रन्स बना रहा हूं लेकिन टीम की जीतने की चांसेस मैं कम कर रहा हूं। रिजल्ट जो था ना वो तो सही मिला ना, एंड ऑफ द डे टीम वो मैच भी जीती, वो सीरीज भी जीती। इन दोनों का जीनियस ये था कि विजन इनका एक ही था। लीडर जो है वो अपने आप को बैक करता है बड़े फैसलों में और वो ही उसे लीडर बनाता है। अनफॉर्चुनेटली ये जो मैच फिक्सिंग की इनके ऊपर एलिगेशंस लगी, मेरे ख्याल में इसने इस टीम को बहुत डैमेज किया। ये बात सही है कि इमरान और मियादाद के ज़माने में ये चीज़ें नहीं थीं और ये चीज़ें बहुत मीडिया में और किताबों में ये चीज़ें बहुत कुरेदी गई हैं और उस ज़माने की कभी भी अभी तक कोई इस तरह की चीज़ सामने नहीं आई, हालांकि उसमें बड़े बड़े प्रेशर थे, शारजा में मैचेस होते थे, बट इमरान मियादाद और उस टीम पे अभी तक कोई आँच नहीं आई और मुझे पूरे यकीन है कि कभी नहीं आएगी आँच के लिए। आई थिंक ये सबसे बड़ा, अगर मैं कहूँ ना पाकिस्तान की क्रिकेट हिस्ट्री लूँ तो जो सबसे बड़ी ट्रेजेडी हुई वो ये कि जो वो 92 की टीम थी वो अगले 10 साल तक दुनिया की लीडिंग टीम बननी थी। आज पाकिस्तान में आपको बता रहा हूँ कि इतना टैलेंट होता मगर हमारे लड़कों ने ईमानदारी नहीं दिखाई। मेरे ख्याल में टीम हारने से डर गई, जब वो हारते थे वो कहते थे जी मैच फिक्स्ड है, यानी उसने सारी दुनिया को उसी तरह हराना था जो वेस्ट इंडीज ने हराया था हमारे 12 साल पहले, तो उन्होंने उस टीम को, उस टीम ने कभी भी जो उसका पोटेंशियल था कभी भी अचीव नहीं किया। तो आप नेशन को भी तो डाउन कर रहे हैं ना, वो उनको सोचो, खास तो मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ, आपके लिए मुसलमान दुनिया में खाना काबा में मस्जिद नबी में बैठ के तुम्हारे लिए दुआएं कर रहे हैं और तुम बिके हुए लाना थे तुम्हारे ऊपर, ये in a game of chance so unpredictable when nothing's certain luck favors the brave agar aapke intentions saaf hain to more often than not wo pay off kar jata hai leading from the front like a tiger on the hunt
vision and a burning ambition. Reason. One game, such challenge of skill and devotion. आज इमरान की भी जो आज जो जो इज्जत मिली है कहेंगे यार इसका मतलब गोल जो है वो पाकिस्तान का ही था ना। तो ये कॉम्बिनेशन कि आप जो है ज़्यादा सक्सेसफुल ममालिक में जाके उन्हीं के टर्म्स पे डील करें और वो माने आपको कि आप हमारे इक्वल हैं और उसके बावजूद आप अपनी पाकिस्तानियत फॉरमोस्ट रखें, माथे पर रखें, टी शर्ट पर, और ये सक्सेसफुल ब्लेंड जो है ना ये इमरान का मैजिक है। हम टीम को देखें, पाकिस्तान को देखते थे। असल में आपकी जो परवाज होती है ना वो ये नहीं डिपेंड करता कि आप जीत को कैसे हैंडल करें, आप हार को कैसे हैंडल करते हैं, ये डिटरमिन करता है आप कितना ऊपर जाए। पर्टिकुलरली आउटस्टैंडिंग लीडरशिप इमरान खान।